हमारे करौली में आज भी 50% महिलाएं मतदान देने में अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही हैं। आपने वोट डाला कभी? क्यों नहीं डाला आपने वोट? में नाम नहीं। और वोटर आईडी कार्ड? जब मैं करौली की शिकारगंज बस्ती में गई तो देखा कि जमीनी स्तर पर रहने वाले लोग वो अशिक्षित हैं, और उनके घर की जब मैंने कहानी जानी, उनके घर 3-4 दिन मैं मिलने गई तो मुझे पता चला कि एक ही घर में 4 बहू हैं जिनके एक ही सास का पहचान पत्र होने की वजह से वो ही वोट डाल सकती हैं, जबकि उनकी 4 बहुएँ आज भी वोट डालने में अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही। उसका कारण था कि उनके पास पहचान पत्र नहीं है। क्या कारण है कि अब तक इनका पहचान पत्र नहीं बना आपकी बहुओं का? बना है तो नहीं है कोई, कहना कब बना है हमने तो पता ही नहीं। कभी आप गए नहीं उसके लिए? कलेक्टर नहीं गए कभी? आज बनेंगे। क्या कहते हैं वो, ये बताइए। जिसको आप वोट डाल रही हो उससे आपको कुछ बेनिफिट होता है या अपनी मर्जी से ही वही वोट डाल देते हो? हम लोग तो कहे वो तेल नहीं मिलेगा, वोट नहीं डालेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए वोट डालते हैं। तेल भी मिल जाए हमारे गाय लंप को, कुछ नाज मिल जाए, अब ऐसा 5-6 वक्त अब मिल भी लगेगा हमको तो पूरे जनवरी में, कभी नहीं मिलो नाज। किस किस पार्टी ने आपको, जिसने वोट डालते उसने क्या क्या किया अब तक आपके लिए? भैया हमारे का तो कोई ना कुछ नहीं करे, और नाज सो मिले अब और तेल मिले लंप को बस। वो कौन सी पार्टी ने दिया आपको? कांग्रेस। आप वोट क्या सोच समझ के देते हो? कुछ फायदा हो वोट दे दे, नहीं फायदा हो तो दे दो वोट। पहले अपने यहाँ पे रोहिणी देवी जी जीती थी, तो उन्होंने आपको कुछ किया कि 5 साल में अपने सरकार में? कुछ नहीं किया। जब वोट लेने आते हैं वो उस टाइम क्या कहते हैं? और फिर जब तक नौकरी तुम्हारा यो करेंगे, तुम्हारी पेंसिल लगवाएंगे, तुम्हारे का यो मिलेगा वो मिलेगा, कुछ कुछ भी नहीं दे कोई। उसके हेडपम्प लगवाएंगे, कोई ना तो हेडपम्प खुदवाए ना कोई कुछ भी निकाले। करौली समुदाय की महिलाएं निर्वाचन विभाग के आला अधिकारियों से निवेदन करती हैं कि हमारे पहचान पत्र बनवाएं, जिससे हम भी मतदान देने में अपनी भूमिका निभा सकें। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।